हम सब अपने देखने वालों को कुकिंग विद नाज़नीन में खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आज साल का पहला दिन है, साल नौ का आगाज़ हो चुका है, तो हम सब आप लोगों को कुकिंग विद नाज़नीन की तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। हमारे चैनल और हम सब घर वालों की तरफ से, हम सब की तरफ से आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह करे कि ये साल जौन सा है वो खुशियों का हो, खुशियां लेकर आए और तमाम तर जौन से पिछले साल के दर्द दुख हैं वो इस साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएं, और ख़ास तौर पे जो कोरोना की वबा है अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दें, और हमारे इस साल को सब बीमारों को अल्लाह ताला शिफा दे दें, और ये जो 2021 है सबके लिए खुशियाँ, कामरानियाँ, तरक्की का बाइस बने और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की को दिन दुगना रात चुगना कर दें। तो व्यूअर्स, हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप लोग हमें दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो नया साल शुरू हुआ है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसकी जो दिन की है, जो इस साल के जो आगाज़ है वो है जुम्मा, जुम्मा के दिन से, मतलब जुम्मतुल मुबारक के दिन से हुआ है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अपने रब का जो है, अपने रब पे पूरा यकीन है, भरोसा है हमें कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये साल बहुत खुशियों का, बहुत तरक्की और कामरानी का होगा, क्योंकि जिस साल का आगाज़ जुम्मे के दिन से हो वो साल बहुत ही तरक्की वाला होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जौन सी हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है, ये है चावलों के हवाले से। चावलों की बहुत सारी रेसिपीज हमने आपके साथ शेयर की हैं, आपको सिखाई हैं, और आप लोगों की हमें बहुत अच्छी फीडबैक भी मिलती है कि आप हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं और उनको बनाकर हमें दुआएं देते हैं। तो आज जो हम आपके सामने जितनी रेसिपी लेके आए हैं वो है चावलों की, और आज की जो से हमारी रेसिपी है वो है वेज कोफ्ता पुलाव। और इसकी तरकीब क्या होगी ये जानते हैं मम्मा से कि वेजिटेबल और जो कोफ्ते वाले चावल हैं वो कैसे तैयार होंगे। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा जी, हमने ये ना कोफ्ते हैं, ठीक है, तो ये मैंने ना एक चम्मच हल्दी का लिया, आधा चम्मच गरम मसाले का, दो चम्मच मैंने लिए, मसाला तेज़ रखना ना बच्चे कह रहे, तो दो चम्मच मैंने लिए हैं मतलब दादरी मिर्च के, एक चम्मच जीरे का, आधा चम्मच लाल मिर्च का, दो चम्मच नमक के, ठीक है। एक कटोरी मैंने ली है ये मटरों की, ये मैंने तकरीबन घर में थे आधा किलो लगा लें आप आलू, ठीक है। एक किलो चावल हैं, तो ये बोल हैं बनाए हुए कोफ्ते, हाँ ये लहसुन अदरक का, ठीक है, हाँ टमाटर रखना भूल गए। तो व्यूअर्स, अब हम लोग जो सी हमारी तरकीब है इसको शुरू करते हैं। तो पहले मम्मा हम लोगों ने प्याज ब्राउन करने होंगे इनके, हाँ जी, रेसिपी को तैयार करने के लिए। प्याज ब्राउन जैसे हम लोग आम पकाते हैं ना चावल, वो ब्राउन करूँगी, फिर उसमें ये कोफ्ते डालूंगी, लहसुन प्याज डालूंगी, ये इसे थोड़ी देर पकाऊंगी, फिर ये सब्जियाँ डाल के चावल डाल दूंगी, ठीक है। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आज की जो सी रेसिपी है चावलों के वाले से वो बनने वाली है। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी देखनी है, और आप लोगों ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करके हमें अपनी फीडबैक देनी है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना जी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो से हैं पुलाव के लिए प्याज जो ब्राउन करने थे वो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिए हैं, तो इसको हम लोग ब्राउन करते हैं प्याजों को और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने प्याज ब्राउन कर लिए हैं, कोफ्ते डाल दिए, लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया हम लोगों ने इसके अंदर, और अब ये एक अदर टमाटर भी हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा ये साफ ही हो रहा है, ये लहसुन भी भुना जाएगा ये, पाँच मिनट भूनने से, तो फिर इसमें मसाले डालते हैं, मसाले डालते हैं, हाँ जी ये मसाले। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखा कि पहले हम लोगों ने प्याज ब्राउन किए हैं, उसके बाद हम लोगों ने प्याज ब्राउन करने के बाद हम लोगों के अंदर जो हमारे
हैं ये कोफ्ते, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी वेज कोफ्ता पुलाव है, तो हम लोगों ने वो शामिल किया है इसके अंदर। और उसके बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट और एक अदर टमाटर, अच्छी तरह से इस मसाले को हम लोगों ने भून लिया। भुनाई करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी डाल के उसको मज़ीद भून लिया। तो मम्मा अब इसको हम पकने के रख रहे हैं, अपना मैं पानी डालती हूँ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अब हम लोगों ने मसाले भी डाल दिए तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको भून लिया है। बस अब थोड़ा सा ये हो जाए ना तो फिर मैं मटर डालती हूँ इसमें, हलाना नहीं ज़्यादा टूट जाएंगे नहीं तो कोफ्ते। चले ये मटर भी मैंने डाल दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त बहुत उम्दा आ रही है। आप तो थोड़ी देर ना मटर मैं पकाऊंगी फिर बात आप कर लो। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिफरेंट सी यूनिक और बहुत इजी रेसिपी है, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाएगा, टेस्ट चेंज हो जाएगा। और अगर क्योंकि कुछ लोग मतलब अगर कोफ्ते वगैरह नहीं खाते या उनको चिकन नहीं पसंद या कीमा नहीं पसंद, या आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपने कोफ्ते किस चीज़ के बनाने, चिकन के या कीमे के, तो क्योंकि ये वेज भी है और कोफ्ते वाला भी, मटर खा भी लेते शौक से, सीजन भी है मटरों का तो हाँ, और क्योंकि सीजनल भी हैं ये, तो आप लोग इसको भी बना सकते हैं डाल सकते हैं। अगर आपने एक दो सब्जियां हो डालनी डाल सकते हैं, वो आपके चॉइस नहीं है। ये ज़्यादा इस लेकिन हम हाँ, मतलब बेसिकली यही है कि आपको ये दो सब्जियां और ये साथ इसके साथ ये जो बॉल्स हैं ये डालकर ये जो पुलाव की रेसिपी है हमने आपके साथ शेयर की, इसको बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, हम हमें बहुत अच्छी फीडबैक देंगे। और व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको जो इस तरह की है आसानी से बनने वाली और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो वीडियोस वो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं जो आप अपने घर में बना सकते हैं और किचन में मौजूद होती हैं चीज़ें, और उसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो उनसे हैं वो टाइमली मिल सके। हाँ जी, अब ये 10 मिनट में पकाती हूँ इसे, फिर मैं आलू डालती हूँ। ये तो व्यूवर्स अभी अच्छी तरह से पक चुके हैं, मटर भी जो है हमारे तकरीबन पक गए हैं। अब हम लोग इसके अंदर जो होते हैं आलू वो शामिल कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत बहुत कसर होगी मटरों के अंदर, तो वो भी जब ये आलू पकेंगे साथ में वो भी तैयार हो जाएंगे। तो मामा हम लोग फिर दोबारा से इसको मतलब पकने के लिए दम पर लगा कर रख देंगे इस तरह बंद? नहीं, बस 2 मिनट से पकाते हैं ना, तो मैं पानी डालती हूँ ना, तो हाँ जी ये देखिए मैंने आलू डाल दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखने में बहुत अच्छा रंग लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे सालन है, सालन की आलू कोफ्ता मटर। हाँ जी अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैं देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया ये सालन सालन ओ ये पानी डाल दिया, तो बस फिर चावल डाल देंगे इसके अंदर हम लोग। ओके, तो बस हमारी रेसिपी जो सी है वो फाइनल होने वाली है। ये तो व्यूअर्स अब हम लोगों ने पानी को एक दो बार उबाला दिला लिया, तो एक दो उबाल आने के बाद हम लोगों ने जो सी है वो चावल इसके अंदर डालना शुरू कर दिए। ये तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारे चावल है कितने अच्छे हो गए हैं। तो अब हम लोगों ने पानी भी खुश कर लिया, एक कनी रख के अब हम इसको दम पर लगा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल हैं, और ये हमारी जो सी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, जिसको रिशोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये जो हमारी रेसिपी है वेज कोफ्ता पुलाव चावल जो से हैं हमने आपके सामने आज बनाए हैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। ये है इसका फाइनल लुक, गर्मा गर्म जो से चावल हमने रिशॉर्ट कर लिए हैं। तो व्यूवर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की जो सी रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें, इसके साथ साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी जो सी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो व्यूवर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।